नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शरीफ नवाज और आप देखना शुरू कर चुके हैं शरीफ नवाज ऑफिशियल। दिनांक 17 फरवरी को कारीकोसी बांधाला कटौडिया कालीगंज में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट के फाइनल मैच के वीडियो के साथ साथ हम इस टूर्नामेंट की पूरी जानकारी इस वीडियो में दिखाएंगे। इस टूर्नामेंट में चीफ गेस्ट के रूप में MLC अशोक अग्रवाल, MLA मनिहारी श्री मनोहर प्रसाद, मुखिया दिलारपुर मुन्नी देवी एवं भैरवाड़ा मुखिया अनवर आमिल शामिल थे। आयोजनकर्ता मोहम्मद मनीर, मोहम्मद रिजा, समीम अख्तर, निजाम रफीक, राजा मौलाना अकबर बुखारी, अख्तर आलम, कुंदन पासवान, मोहम्मद आज़ाद, मोहम्मद यासीन, मोहम्मद इरफान, अभिजीत सिंह, रॉकी, मोहम्मद जुबेर, समीम फौजी, मोहम्मद तंजीर, वकील अहमद, डॉक्टर मतीबुररहमान, मोहम्मद मुबारक शामिल थे। इस टूर्नामेंट में अंपायर की भूमिका निभाई MD खुशबुर, MD गियासुद्दीन और MD सज्जाद ने अंपायर की भूमिका निभाई और कमेंटेटर की भूमिका अदा करने में मौलाना अकबर बुखारी, मास्टर हारून रशीद और मोहम्मद मुजाहिद ने अपनी भूमिका निभाई। वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन 16 टीमों के बीच में कराया गया था। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमें बैसा गोविंदपुर वर्सेज रतनपुर और दूसरी सेमीफाइनल खेलने वाली टीमें सिरसा क्लब कटौटिया वर्सेज सिरसा क्लब कटौटिया बी के बीच में दूसरा सेमीफाइनल खेला गया। बैसा गोविंदपुर ने रतनपुर को हराकर फाइनल में प्रवेश किया और दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में सिरसा क्लब ए ने सिरसा क्लब बी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शरीफ नवाज, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल शरीफ नवाज ऑफिशियल में। अभी आप मैच देख रहे हैं राहुल स्पोर्टिंग क्लब बसगढ़ा बैसाघाट वर्सेस कटौटिया कालीगंज के बीच में फाइनल मुकाबला। आप अपने कमेटी मेंबर्स के साथ तालमेल करिए और चूंकि लास्ट क्षण है और प्राइज वितरण का आप इंतजाम करिए। आखिर नाम 00 शून्य शून्य के साथ जीरो जीरो वन बहुत सबका जवाब जरूर देना चाहेंगे। हम दर्शकों को इंतजार है। 1-0 और इसी के साथ 2-0 2-0
मेरे मजला माँ को मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप इतना सीरियस होकर रखे, आप एक पेशेंट हैं, हालांकि आप अपने आप को रोक नहीं पाए, इसलिए आप बिल्कुल धैर्य पूर्वक खेलें। लापरवाही, कोई विश्वास नहीं, खिलाड़ी मिला, कोई जिम्मेदारी नहीं, तो इच दो दो की सर्विस। हमारे गुरुओं के बाद मुझे द्वारा बढ़िया करना क्यों टू दो दो अब तक जी समझ नहीं पाए डर गए तो मर गए। जीत करने का मौका और दोबारा गेम ट्राई के पास इसी के साथ बराबरी थ्री एच तीन तीन की सर्विस। और समझ नहीं पा रहे हैं कठोतिया के खिलाड़ी क्या करें क्या नहीं करें कैसे रोके। मामा मांझा काम नहीं किया फोर थ्री और बेहतरीन शॉट हो जाए द्वारा लगवा शॉट थ्री फोर और बेहतरीन सर बेहतरीन अगर बाजू में बड़ा है
तो काले रंग के इसमें सर दिखाए। यार की बाना पहले दे एक दो ढोक, एक दो ढोक कूद के दीजिए भैया। इस बार खड़ी करने में मुझे लगता है हाथ मिला दी बुद्धि छेखा है थी बोला जो भी कुछ थोड़ा सा दम है सिंगिंग नहीं है, थोड़ा सा मान सम्मान बचा कर रखा है सुनील बाबू, और थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो कुछ कर सकते हैं। इसी तरह से भी और इसी के साथ समझ नहीं होता है केसर जी से हम भूल समझ नहीं पाए एक पांच और नौ पांच मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि बिल्कुल ये लोग डर गए हैं, न जाने उनके सामने क्या है, विपक्ष में कौन लोग हैं, मनुष्य में या कोई और है, हमारे कसौटिया के खिलाड़ी के अंदर डर जैसा महसूस हो रहा है। और इसी के साथ और दिख रहा है
बहुत देखो बाबा क्वाइट यार ये सब दाम के होटल में केक कोई भर लिया है सुबह जाओ हाँ और वतन बोला संभाल लीजिए हीटर तो वो मोनो किस्मत में साथ दिया मारिए उछाल के मारिए लास्ट लास्ट ये जाने ना जीरो पर रहते तीन दस पाँच अक्सर जी राहुल स्पोर्टिंग क्लब बच्चा भाग के स्मृतर 11-5 इसी के साथ आओ राइट ए बाबू क्या कमिंग क्या कमिंग कमिंग 11-5 मैंने कहा था जो भी कुछ कर रहे समीन बाबू में ही है 5-11 यादगार खेल है फिरोज बाबू के तो हम लोग याद रखेंगे और इसी के साथ कंटिन्यू सर्विस 12-5 की सर्विस क्या हम दे दे हैं आपको ले लीजिएगा 13-5
इसी के साथ इस मैच का विनर टीम रॉयल स्पिनिंग क्लब जैसे गेम का हम लोग लुत्फ लिए, हम लोग नजारा किए और फाइनल में जो दो टीम का खेल हुआ वो राहिल स्पोर्टिंग क्लब बैसाघाट वर्सेस सिरसा क्लब कठौतिया कालीगंज और इसमें जो विनर बन के आए हैं वो है राहिल स्पोर्टिंग क्लब बैसाघाट और रनर में रहे सिरसा क्लब कठौतिया। अब कमेटी के जानिब से जो तोहफे के तौर पर प्राइज के तौर पर जो राशि के शक्ल में दिया जाना है तो मैं राहिल स्पोर्टिंग क्लब के कप्तान महोदय मोहतरम कलाम जी को मैं दावत दूंगा कि वो आए और हमारे बहुत वरिष्ठ गांव के वरिष्ठ खिलाड़ी भाई शमशेर आलम और सज्जाद आलम जी यहाँ मौजूद है तो मैं चाहूंगा कि हमारे भाई शमशेर आलम जी के द्वारा इस प्राइज की राशि को देने का काम करेंगे और कलाम जी को भाई शमशेर आलम जी प्रदान करेंगे और इसी के साथ शमशेर आलम जी द्वारा राशि देते हुए कलाम जी को अब मैं कलाम जी को कुछ क्षण के लिए मैं हवाला करना चाहूंगा कि वो इस मैदान के बारे में इस इंतजामिया कमेटी के बारे में यहाँ के खेल के बारे में आप बहुत मुख्तसर में संक्षेप में हम लोगों को बताएंगे ताकि हमें संतुष्टि मिले। धन्यवाद। जहाँ तक कारीगरों की कठपुतलिया का बात है तो ये खेल खास करके गोली के मैदान में या वॉलीबॉल के क्षेत्र में जो अगस्त माह शुरू से रहा हम लोग भी इस फील्ड से जुड़े हैं या गांव से जुड़े हैं, इस गांव का बहुत सारा खेल मैदान के साथ रहा आज भी है और इस फील्ड के बारे क्या बोले ये तो मतलब जब जाहिर है कटिहार का जो जिला जिला जो टीम रहा यहाँ से दिया लोग और एक शिकायत रहता है हमेशा लोगों का कि मतलब लोग बाहर से आके मतलब चले जाते हैं या मतलब दूर हो जाते हैं इस सिलसिले में हम बोरो भी नहीं लाए अगर आप मतलब फील्ड में आ ही जाते हैं तो लोग बोलता है कि बोरो क्या आ गया लेकिन कहने का मतलब ये है कि बोरो लाने का मकसद तो कुछ मेरा नहीं है बस या फील्ड के लोग जाके बोल रहे हैं भाई लाइए या आने के बाद भी खोलते हैं बहर शिकायत मेरा वो नहीं है माइक में मुख्तसर बोलने के लिए बोला गया है खास करके खेल जो हमारे बीच जो बच गया है खास करके सिरसावासी के बीच में जो खेल बचा हुआ है ये सिर्फ एक ऐसा खेल है जो मात्र नाम मात्र है लोग नहीं खेलता है इसे गेम हम चाहेंगे साहब के द्वारा एक बात आया हम चाहेंगे यहाँ के जो लोग हैं जैसे खेल रहे थे चाहेंगे कि दोबारा फिर इस फील्ड से जो है दोबारा हम चाहेंगे कि इस फील्ड से इस गांव से ऐसा टीम निकले तो फिर हाँ उधर के आए तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा मतलब एक ये होगा गौरव का बात होगा हम लोग हमेशा जब कठपुतलिया का नाम सुनते थे तो बहुत सारा कुछ छोड़ के हम लोग चले जाते थे देखने के लिए घर से डांट भी पड़ता था फिर भी हम लोग छुप के
इधर से उधर से भाग रहे थे। चलिए फिर इस कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि सबको मौका दिया। कप्तान से मैं कहना चाहूंगा कि वो आए अस्ताद जी, अस्ताद जी से मैं कहना चाहूंगा कि वो आए और आपके हिस्से में जो कुछ कमेटी के जानिब से है आप उसको हासिल करें, प्राप्त करें। और ये इनाम भाई सज्जार आलम जिसे आप प्राप्त करें और ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए। मैं ये इस बगल पकड़ो ना अस्फाक आलम जी को मैं एक ही क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आप एक अच्छे टीम थे और हमेशा अच्छा खेलते आए, लेकिन आज क्या मुसीबत हो गई कि आप इस कार्य को सिवान के इस पवन घंटी पे आप प्रदर्शन नहीं दिखा पाए। आप एक दो कारण जरूर हमको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारा जो खेल पहले था अभी तो वो नहीं है, क्योंकि समय चेंज होता है, ये खेलने का समय होता है। जैसे हमारे मालिक उस्तूर अख्तर हेटर थे, उस टाइम के खेल में जो है ये टीम जो आज विजेता हुई, ये उस समय के बात बोलता हूँ, ये हार चुकी थी। तो अभी रेंज जो है चेंज होता है, अभी का दौर में जो है कुछ नया खिलाड़ी आए हुए हैं, उसको हम बना रहे हैं। इसमें जो है कमी है कि ये लोग सही से समय भी नहीं दे पा रहे हैं और खेल को नहीं बना पा रहे हैं। इसी कमी के कारण जो है आज हम यहाँ पे हार हुए। धन्यवाद।